तो आज के नज़ारे हैं जी अल्टीमेट अल्टीमेट नज़ारे, चारों तरफ सफेद सफेद। पिछले कल ऐसा कुछ हुआ था, गाड़ियां स्किड हो गई थी और सीधे नाली में। तो गाइस इसे कहते हैं ब्लैक आइस। इस पे ड्राइव करना काफ़ी रिस्क भरा होता है। वहाँ सामने वहाँ रहता हूँ मैं और ये है सामने के नज़ारे। इधर को आ जाता है आपका कुफरी और छड़ाबड़ा। तो फिलहाल मैं एक घर के पास से ही एक रास्ता निकलता है दिल्ली के लिए। दिल्ली को आप मेरे ज़ुबान से दो चार बार सुन चुके हो। दिल्ली स्टेशन तक ये रास्ता जो देख रहे हो मेरे पीछे आप, ये ऊपर ऊपर से है, नेशनल हाईवे से नहीं है, नेशनल हाईवे रह जाता नीचे नीचे। तो मैं ऊपर ही ऊपर से गुजर रहा हूँ दिल्ली के लिए। आज मौसम बहुत ही प्यारा है तो इस करके मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा घूमा जाए, ऐसा ही कुछ मन कर रहा था तो मैं निकल पड़ा घूमने के लिए। वहाँ है जी नीचे नेशनल हाईवे, तो यहाँ से आप सीधे जाकर पहले निकलोगे दिल्ली, फिर छड़ाबड़ा, फिर कुफरी, फिर आगे आप कहीं पर भी जा सकते हो। हाँ एक बात और, अब फिलहाल सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है और आगे गर्मियाँ आएगी, तो अप्रैल के बाद ऐसी कई जगहें हैं जहाँ मैं जाने वाला हूँ। और आप भी अगर मेरी तरह एक घुमक्कड़ हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक से भला दो और दो से फिर चार हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों का हुजूम रहेगा मैं कहता हूँ कि उतना ही अच्छा रहेगा सभी के लिए, काफ़ी इन्जॉयमेंट हो पाएगा। पिछले कल ऐसा कुछ हुआ था, गाड़ियाँ स्किड हो गई थी और सीधे नाली में। तो गाइस इसे कहते हैं ब्लैक आइस। इस पर ड्राइव करना काफ़ी रिस्क भरा होता है, तो ध्यान रखें इस पर जब भी चलें तो फर्स्ट गियर में रखें और ब्रेक का यूज़ बिल्कुल ना करें, अदरवाइज ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी पेश आ सकता है। तो ये है जी ब्लैक आइस। इस पर जितना आपको एक्सपीरियंस होगा स्नो पे ड्राइव करने का, तो आप उसी हिसाब से ड्राइव कर पाओगे। अगर आपको स्नो में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो इस तरह के ब्लैक आइस में रिस्क कभी ना उठाएं, क्योंकि पलक झपकते ही यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ियाँ कितनी स्लो स्लो चल रही है, एक्सीलेटर पर पैर ना मात्र रखना चाहिए आपका। सामने एक बाइकर्स भी आ रहे हैं, तो ये सही तरीका है बाइक को ले जाने का कि आप इसी तरह से अपना बाइक जो है उसे ले जाएं, ड्राइव करने की कोशिश ना करें, पलक झपकते ही यहाँ कुछ भी हो सकता है। आज ना जाने ये सारी गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, खासकर जो घूमने आए हुए जो टूरिस्ट भाई बंधु हैं हमारे, वो खैर ऐसे में निकलते तो हैं क्योंकि बेचारे घूमने आए हुए होते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि उनकी छोटी सी गलती उन्हें काफ़ी भारी पड़ जाती है। अब यहाँ तिरुपति साइड से कुछ एक ट्रैवलर आए हुए हैं घूमने, बेचारे चले हुए हैं ना जाने कहाँ जा रहे होंगे, क्योंकि उनका पैकअप देख के ऐसा लगता है कि उनका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। आज का जो सिचुएशन है वो कल से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कल तो फिर भी ठीक था लेकिन आज ना बाबा ना, आज स्पेशली यहाँ पर कुछ प्राइवेट जिप्सी है जो कि जितने शौकीन लोग हैं कुफरी की तरफ जाने वाले उन्हें लेकर जा रही है। जानते हो कि इस गाड़ी के अलावा बाकी कोई भी गाड़ी इस रूट पर आज सक्सेस नहीं है। पिछले कल जब मैं यहाँ से गुजरा था तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है। आज मौसम एकदम क्लीन, मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ वाइट, लेकिन कल काफ़ी डल सा लग रहा था क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से फिर इंसान भी इतना फ्रेश नहीं हो पाता है, लेकिन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलते चलते एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं ग्रीन वैली, जिसे आप कई बार हसन वैली भी कहते हैं। तो कल का जो नज़ारा था जो मैंने दिखाया आपको वो विदाउट सनशेड का था, और आज मैं जो दिखाऊंगा आपको वो उससे कई बेहतर हो सकता है। तो जनाबी आली पेशे खिदमत है आपके सामने ग्रीन वैली। ये था जी आपका ग्रीन वैली,
लेकिन आज काफ़ी शांत शांत सा हिसाब किताब है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ियाँ पता ही आपको जिप्से के अलावा कोई भी गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो आज मुझे लगता है कि कुछ चाय पानी का जुगाड़मेंट जो है वो हो पाएगा। हाँ जी बंदर महाराज, तुसी क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हो? धूप देखा, नाराज हो रहा है। आज बस चलते जाने का मन कर रहा है बस। और नीचे भी चाय की दुकान थी खुली हुई, एक दो स्टॉल इधर भी है, तो वापसी में देखते हैं। फिलहाल आगे तक टहलाते हैं। आगे का जो वेदर है कुछ ऐसा है, बिल्कुल क्लीन मौसम। एक बात को आज आपने पल्ले बांध लेना है, जिसे कहते हैं पल्ले बांधना, पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं कि गल पल्ले बांध लो, तो वही आपने करना है। क्या करना है कि जब कभी स्नोफॉल होता है, आप अपनी गाड़ी किसी जगह पार्क कर देते हो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, या कुछ एक घंटे के लिए, और इस बीच हो जाता है स्नोफॉल, और स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हो कि गाड़ी के विंड स्क्रीन से बर्फ़ हटाई और निकल गए ड्राइव पर। ऐसा कभी ना करें। ऐसा करने से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी देर जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी गर्म हो जाती है, अंदर आप बैठे हो तो उससे भी हीटअप हो जाता है गाड़ी के छत पर। तो अचानक आप हल्का सा ब्रेक मारते हो, या फिर आप किसी उतराई में होते हो, नीचे जा रहे होते हो, तो वो सारा के सारा बर्फ़ आपके विंडस्क्रीन के आगे आ जाती है, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखता। आप क्या करते हो ऐसे सिचुएशन में, एकदम ब्रेक पर पैर रखते हो और ब्रेक मार देते हो। वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो सीधा आपसे टकराएगा, तो वो भी एक नुकसान हुआ, उसमें जान भी जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा सिचुएशन में आप घबरा जाते हो और आप कुछ भी उल्टा सीधा हरकत कर लेते हो। तो मेरा आपको ये राय रहेगा कि आप सबसे पहले अपनी गाड़ी के छत से बर्फ़ पूरी तरह क्लीन करें, गाड़ी के छत बिल्कुल साफ़ करें, उसके बाद ही ड्राइव पर निकलें। ये एक मेरी राय है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ना हो। मुझे मौका मिला बचने का, ऐसा ना हो कि किसी और को मौका नहीं मिले। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि जब कभी आप इस तरह की सिचुएशन में होंगे तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की छत साफ करेंगे। और इस तरह की जो बातें हैं शायद आज की डेट में कोई नहीं समझाता, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो चलते चलते काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। आगे एक ढाबा है जहाँ पर हमारे सोनू सूद जी, जो एज ए विलन एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, और रियल ज़िंदगी में वो विलन नहीं, वो हीरो निकले, उन्होंने इसी ढाबे में चाय कॉफ़ी का सेवन किया और इनका काफ़ी हेल्प भी किया है और इनकी मदद भी की है। सोनू सूद जो है, जो कि एक एक्टर है फिल्म इंडस्ट्री का, वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, तो यहाँ पर भी मदद किया गया है। तो फिलहाल मैं वहाँ पहुँचूँगा, कुछ चाय पानी का सेवन करूँगा, फिर देखते हैं। तो जब कभी आप कुफरी की तरफ निकलते हो तो ग्रीन वैली को क्रॉस करने के बाद तकरीबन 50 मीटर चलने के बाद आपको राइट साइड ये ढाबा दिखता है, इसे कहते हैं सोनू सूद जी वाला ढाबा। तो यहाँ थोड़ी देर रुककर आप चाय पानी अपना कर सकते हैं। आज ऐसा मन कर रहा है कि चलता चलूँ, मतलब कहीं रुकने का मन ही नहीं कर रहा। मौसम इतना सुहाना बना हुआ है, अब कैमरे में सही तरह से जज हो पा रहा होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं आंखों से देख रहा हूँ तो आज बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे कदम रुक नहीं रहे, बस आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आज बस चलते जाने का मन कर रहा है। आज एक बात मैं देख रहा हूँ कि चाय पानी की कमी नहीं है। मैगी, परांठे, राजमा चावल, चाय और ऑमलेट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आज हैं। ये सामने वाला व्यू अल्टीमेट लग रहा है।
तभी मैं कह रहा हूँ कि हर मोड़ कुछ कह रहा है। एक पल भर के लिए मैं सोचता हूँ कि अब वापस चला जाऊँ, लेकिन जैसे जैसे दो कदम आगे बढ़ता हूँ तो मेरे कदम खुद ब खुद आगे की ओर चल पड़ते हैं। तो अब देखता हूँ कि ये दो कदम मुझे कहाँ तक ले जाते हैं। बहुत ही अल्टीमेट लग रहा जी व्यू, अल्टीमेट व्यू। ऐसे नज़ारे रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। ये आज ही आज है, कल शायद गाज़ियाबाद हो सकता है। यहाँ रोड साइड एक छोटा सा शिव टेंपल बनाया हुआ है। ओके, तो चलते चलते एक बार फिर से मैं पहुंचा हुआ हूँ छड़ाबड़ा। तो जब छड़ाबड़ा पहुंच ही गया हूँ तो सोच रहा हूँ क्यों ना आगे तक घूम कर आया जाए, क्योंकि आगे कुछ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कुछ एक्टिविटी कराई जाती है। तो आई थिंक वहाँ कुछ एक टूरिस्टों का जमावड़ा सा होगा, वो देख कर आते हैं। आगे तक मेरा जाने का मतलब ये है कि मैं आपको वो जगहें दिखा सकूँ जहाँ पर छड़ाबड़ा पहुँचने के बाद आप कुछ एक एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। चलते चलते मैं पहुँचा उस पॉइंट पर जहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी कराई जाती है, लेकिन आज कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर कराया नहीं जा रहा है। ना जाने क्या बात होगी, क्योंकि चारों तरफ का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत शांत सा है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर कुछ एक याक आपने देखे होंगे होते थे, और यहाँ से ऊपर चढ़कर लोग जाते थे और वहाँ से ऊपर से नीचे कहीं स्केटिंग करते हुए आते थे। नज़दीक जाकर आपको बताता हूँ, यही वो पॉइंट है जहाँ पर दो चार याक बंधे होते थे, आपने कई बार देखा होगा। और इस तरफ कई दुकानें हैं खाने पीने के, तो सभी बैठे हुए हैं मायूस होकर। और ये वो गली सी है, यहाँ से ऊपर जाते थे और वहाँ से स्किट होते हुए नीचे को आते थे, कुछ रस्सियों से चढ़कर यहाँ ऊपर जाते थे। मतलब कई तरह की एक्टिविटी यहाँ कराई जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल शांत शांत सा पड़ा हुआ है। तो फिलहाल एकदम शांत माहौल। अभी जस्ट मैंने यहाँ के एक निवासी से पूछा कि ये सारा एक्टिविटी सुनसान क्यों पड़ा हुआ है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले नीचे से गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे हैं, इस कर क्या है कि टूरिस्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसी वजह से ये जो पॉइंट है पीछे में मैंने जो दिखाया आपको, ये खाली पड़ा हुआ है। ओके, तो फिलहाल छड़ाबड़ा से वापस लौट रहा हूँ, लेकिन लौटने से पहले मैंने सोचा क्यों ना चाय पिया जाए। तो उसके बाद ऊपर वाले रास्ते से जहाँ पर पिछले बार जो आपने वीडियो देखा था जहाँ से मैं ऊपर चढ़ा था, जहाँ पर था एक बाल आश्रम, उस वक्त मैं वहाँ से ऊपर आया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं वहाँ से नीचे की ओर जाने वाला हूँ। तो फिलहाल पी रहा हूँ अदरक वाली चाय। सर्दियों में अदरक वाली चाय पीते हुए सच मानो मज़ा आ जाता है।